कई जगह सचमुच में थोड़े मुझे प्रॉब्लम भी हुई उन चीज़ों को समझने में, लेकिन मेरे साथ इनका होना उनका होना बहुत फायदेमंद रहा। मैंने ऐसा नहीं देखा, मुझे तो लगा कि उनका हीरो आदिल हैं और मैं तो इनके साथ सपोर्टिव कैरेक्टर में हूँ, जैसे आप हैं। और इसके बारे में आदिल से पूछना चाहिए कि कैसा लगा उनको हीरो बनके। मैं समझता हूँ कि फिल्म ही हीरो है। ये नेक्स्ट डीडीएलजे कपल है, बहुत मॉडेस्ट है। असली हीरो की बात पूछते हैं तो इस फिल्म का असली हीरो अगर कोई है तो सुभाष नहीं, ये डीडीएलजे वाले कपल है। ये लोग वो लोग अभी सरसों के खेत होते थे पहले, अभी बनारस की बोट होने वाली है। तो आप मुझे लगता है वही टाइटैनिक जैसा पोज एक फेमस हो गया, वैसा पोस्टर वाला पोज है वो फेमस हो गया। थैंक यू। ऑलराइट, फोटो लो, फोटो लो। और मैंने मुक्ति भवन है फिल्म का नाम। ये फिल्म डेथ के बारे में है और मैं जो किरदार प्ले करती हूँ उसमें आदिल जी की वाइफ का रोल करती हूँ, ललित जी की बहू हूँ। मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई क्योंकि मैं खुद इन सब इमोशंस से गई हूँ। मेरे पिताजी उनके आखिरी सालों में मेरे साथ थे, तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल ये कहानी थी। और मैं चाहती थी कि इसमें मेरा जो किरदार है वो बहुत सख्त है, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं मैटर ऑफ फैक्ट है, लेकिन मुझे वो सब जो अनुभव मैंने खुद लिया है वो एक्सप्रेस करना चाहती थी। तो ये कहानी के माध्यम से मैं कोशिश मैंने की है कि वो एक्सप्रेस हो। आदिल हुसैन जी अपने काम के लिए बहुत ही जाने जाते हैं, बहुत ही फाइन एक्टर है, तो उनके साथ कैसा लगा काम करके? बहुत ही सहज है उनके साथ काम करना, बहुत ही आसान लगता है क्योंकि और उनकी उनका इतना एक्सपीरियंस है, इसके कारण वो भी हमें कुछ कुछ सजेशंस देते हैं जिसका बहुत फ़ायदा होता है। मुझे लगता है शुभाशीष को भी उनकी बहुत मदद हुई, मुझे तो हुई क्योंकि हमारे सब सीन्स मेरे जो हैं उनके साथ ही है ज़्यादातर। बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा, ये जो छोटी फिल्में होती हैं इनकी खूबसूरती ये होती है कि हम एक दूसरे से बहुत घुल मिल जाते हैं। एक छोटी कहानी होती है, यूनिट छोटा होता है, तो उसका बहुत माहौल बहुत अच्छा होता है काम के लिए। और हम वाराणसी में थे, आउट ऑफ टाउन थे, तो उसके कारण सब एक साथ आए और हमने कोशिश की है एक बहुत ही वार्म स्टोरी बताने की। आई होप लोगों को वो पसंद है। मैम, ऐसा कोई सीन आपके जो दिल के बहुत ही करीब? एक बहुत मज़ेदार सीन था और मेरे और आदिल के बीच जो मुझे लगता है कि मतलब मैं कुछ कह रही होती हूँ उसका बहुत मिसइंटरप्रेट करते हैं वो, तो वो जो जनरली हस्बैंड्स और वाइफ्स में होता है वैसा ही वो सीन है। तो आई होप कि उससे मज़ा आएगा लोगों को। ये मूवी नेशनल अवार्ड के लिए भी भेजी गई है, तो आपको कितनी उम्मीद है? क्या अवार्ड्स क्या होते हैं, हम अवार्ड्स पे नहीं भरोसा रख सकते हैं क्योंकि कौन जूरी होगी, क्या होगा, ये अपने हाथों में नहीं होता। अपना काम करो, अगर उसे कुछ सराहना मिले तो अच्छा है, अपने को एक थोड़े टाइम अच्छा लगता है, अगर नहीं मिले तो अपना काम करते रहो। यही मैं तो यही सोचती हूँ उसके बारे में। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे मूवी का? मुझे लगता है बहुत वार्म स्टोरी है, हम सब लोग बहुत आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस कहानी से, तो मुझे लगता है लोगों ने आना चाहिए और ये कहानी देखनी चाहिए। और अपने इट्स लाइक कैथारसिस, जैसे एक बाप बेटे की कहानी है, तो मुझे लगता है वो सबको टच करेगी और सब लोग वो अनुभव मतलब शेयर कर पाएंगे ऐसा मुझे। मेरे ख्याल से कोई भी एक्टर के लिए जो सचमुच चाहते हैं कि एक्टर इसलिए बनाएं क्योंकि अलग अलग सचमुच के अलग अलग, ना कि सिर्फ मूछें उगा लें,
लेकिन अंदरूनी तौर पर जब सचमुच एक अलग अपने ज़िंदगी के, अपने शरीर के, अपने मन के, अपने आवेग के एक अलग जगह पर पहुंचने के वजह से, पहुंचने के लिए एक्टर बना है, कि ऐसा कभी मैंने महसूस नहीं किया, अगर किया भी है लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए आम जिंदगी में, तो मैं शायद इसलिए एक्टर बना ताकि मैं अलग अलग किस्म के किरदार निभा सकूं, और सचमुच अलग, जैसे मैंने कहा, सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं। तो इस वजह से जब इस किस्म के फिल्म मेरे पास आते हैं या और जो जिससे आता है ये फिल्म, वो उनको फिल्म बनाना भी आना चाहिए। कोई भी तो सब्जेक्ट तो बहुतों के पास बहुत अच्छे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन उनको फिल्म बनाना ही आता है। मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, तो मैं इसलिए पहले देखता हूँ कि आपने क्या बनाया पहले। जैसे मुझे पहले पूछा जाता था कि आपने दिखाओ, ऑडिशन दिखाओ, क्या एक्टिंग कर सकते हो, तो थैंकफुली अभी इस उम्र में जाके वो पूछते नहीं है। तो इसलिए पता चलना चाहिए कि किस किस्म के रोल, डायरेक्टर का प्रोफाइल क्या है, वो क्या फिल्म बना चुके हैं। अगर बना चुके सक्सेसफुल भी है लेकिन फिल्म मुझे पसंद नहीं है तो मैं उस फिल्म में काम नहीं करता हूँ। तो जब मैंने देखा कि इनके फिल्म जो है, ये सुभाषिश भुटियानी 23 साल का था जब उन्होंने ये फिल्म लिखा है, 24 साल में डायरेक्ट किया है, और 21 साल की उम्र में उनकी जो शॉर्ट फिल्म है वेनिस फिल्म फेस्टिवल, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जा बेहतरीन फिल्मों फिल्म फेस्टिवल में से बेहतरीन माना जाता है, उसमें बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिला है। तो पता चला कि इनको फिल्म बनाना आता है, तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, हरगिज़ करेंगे, पैसा दो या ना दो फिर भी करेंगे। मूवी की बात करें, मुक्ति भवन जी, तो कॉन्सेप्ट है, ये एक न्यू, मतलब न्यू टैलेंटेड, न्यू डायरेक्टर है आपके पास, जब स्क्रिप्ट लाते हैं आप, इतने बड़े एक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि डर लगता है कि नहीं, न्यू आर्टिस्ट है, न्यू डायरेक्टर है, कहीं कुछ पूछ नीच आपके इमेज में लोगों के प्रति कुछ पूछ नीच है। बड़ा एक्टर मैं हूँ सिर्फ उम्र के हिसाब से, हाँ, बाकी बड़ा एक्टर मैं अपने आप को मानता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, और अभी भी जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं अभी भी लगता है कि यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो हर समय एक जानने की ख्वाहिश होता है ना कि सचमुच कर पा रहा हूँ, ये सचमुच सत्य है इसमें, मैं जो कह रहा हूँ वो सचमुच विश्वास हो रहा है कि नहीं सामने वालों को, तो उस पर अभी भी स्ट्रगल करते जा रहा हूँ। तो हाँ, उम्र में तो बड़ा हूँ उनसे। तो जब आता, मैंने जैसे कहा ऑलरेडी कि मेरा तो पूरा फिल्म, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्री शब्द ही मुझे पसंद नहीं है। इंडस्ट्री तो मैन्युफैक्चर करता है ना, तो हम थोड़ी प्रोडक्ट है यार, मुझे ये शब्द ही बिल्कुल पसंद नहीं है। इंडस्ट्री, ये फिल्म वर्ल्ड बोल सकते हैं, सिनेमा वर्ल्ड बोल सकते हैं। तो इंडियन सिनेमा वर्ल्ड में अभी मुझे भरोसा है सिर्फ इन बच्चों के लेकर के, जो कम उम्र में अभी बना रहे, जैसे कोर्ट फिल्म बनाया, जैसे तिथि बोल के एक फिल्म बनी है, जैसे ये बनी है मुक्ति भवन, मसान, काफ़ी सारे अच्छे ऐसे फिल्में जो बन रहे हैं, लाइट बॉक्स जो मैंने देखा नहीं, सो इसलिए मैं नाम ले नहीं रहा, पर ये बाकी मैंने सब देख चुका हूँ। तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन है जो इंडियन फिल्म को अगले दर्जे में ले के चला जाएगा। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, तो टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो और क्यों बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, क्योंकि इस किस्म के फिल्म में देख करके ऑडियंस को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता चलता है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ क्या, अरे इतना अच्छा भी हूँ, इतना बुरा भी हूँ। तो अपने अंदर एक क्या कहते हैं इसको, अंदरूनी जिज्ञासा पैदा होता है, और वो टॉर्चर करके नहीं होता है, कि बोरिंग आर्ट फिल्म दिखा के नहीं होता है, ये एंटरटेनिंग के मतलब लोग तभी ना फिल्म देखने आएंगे जब वो पसंद करेंगे। तो पसंद तभी करा सकते हैं अगर जो फिल्म मेकर है उनको फिल्म बनाना आता है। तो इस वजह से इस किस्म के फिल्मों से हमारे समाज में बहुत एक कम छोटा सा हो एक, जिसको हिंदी में कहते हैं कि क्रम विवर्तन, एवोल्यूशन, थोड़ा एवोल्यूशन अगर नहीं होता है आर्ट के ज़रिए तो किसके ज़रिए होगा फिर। आर्ट का भूमिका ही है हमारे समाज में कि लोगों को थोड़ा सा अपने जो किचिर पिचिर
मैंने चिट चिट होता रहता है उसमें से थोड़ा बाहर ले जाके अपने ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा आभास दे कि भाई इतना सीरियसली मत लो अपने आप को यार, कल ही तो जा सकते हो तुम।